ये तस्वीरें आपको आश्चर्य में डाल देंगी। क्या हुआ जब जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ चीफ इंजीनियर बांध में बने बड़े गड्ढे में घुस गए। जल संसाधन विभाग का भ्रष्टाचार देख कहीं आपके भी होश ना उड़ जाएं। देखिए कैसे रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार ने गोवदरहा बांध के भीट में बने गड्ढे में उतरकर विभाग के भ्रष्टाचार की खोली पोल। दिनांक 15 जून 2023 रीवा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी किए जाने के दावों की पोल एक एक करके खुलती जा रही है। जाहिर है जब नहर और पानी ही नहीं होगा तो किसानों की फसल उत्पादन कैसे होगा, और ऐसे में फिर किसानों की आय दोगुनी तो दूर, उनकी मूल पूंजी वापस हो जाए ये भी बड़ी बात होगी। कागजों पर स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक हजारों योजनाएं संचालित हो रही हैं। किसानों को कागजों पर पानी मिल रहा है, कागजों पर सिंचाई हो रही है, कागजों पर उत्पादन बढ़ रहा है और कागजों पर ही आय दोगुनी से लेकर 10 गुनी तक बढ़ रही है। लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो लगातार विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में बनाए गए बांध को खस्ताहाल नहरों की स्थिति देखी जा सकती है, जिससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए बांधों की हकीकत ये है कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ही बांधों के बीच में बने हुए गड्ढों में घुसकर बता रहे हैं कि कितना व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बाण सागर नहर मंडल के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार जब हनुमना मौगन क्षेत्र के गोवरदहा बांध पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि भीड़ में सैकड़ों ऐसे गड्ढे बने हुए हैं जिससे बांध टूटने की कगार पर है। उन्होंने बताया कि तकनीकी तौर पर इसे पाइपिंग कहते हैं और जब ये पाइपिंग आगे बढ़कर बांध के भीतरी दीवार जहां पर पिचिंग का कार्य होता है उससे जुड़ जाता है तो पानी प्रेशर के कारण बांध टूट जाता है। और जिस प्रकार से गोवदरहा बांध की स्थिति आज बनी हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों अथवा वर्षों में ये बांध टूट जाएगा और फिर इन्हें इसके मेंटेनेंस के नाम पर लाखों करोड़ों की राशि जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पैसे से रिपेयरिंग में लगा दिया जाएगा और फिर एक बार रिपेयरिंग के नाम पर भ्रष्टाचार हो जाएगा। बता दें कि इस बीच बाणसागर बांध के रिटायर्ड अधीक्षक अभियंता नागेंद्र प्रसाद मिश्र भी मौजूद थे। उन्होंने इस पूरे मामले को देखकर अपने सर पर हाथ पटकते हुए कहा कि इतना व्यापक भ्रष्टाचार तो कभी उनके कार्यकाल में भी नहीं था जितना आज देखने को मिल रहा है। आप भी देखिए कि कैसे बाणसागर नहर मंडल के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार जब मऊगंज हनुमना क्षेत्र के गोवदरहा बांध को देखने गए तो बांध के ऊपर बने सैकड़े गड्ढों में घुसकर कैसे उन्होंने दिखाया कि जल संसाधन विभाग का भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ गया है। देखिए अभी हम लोग जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाए गए कुछ जो बांध हैं जिन्हें माइनर टैंक इनकी टेक्निकल भाषा में बोला जाता है, उन माइनर टैंक का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और मऊगंज हनुमना क्षेत्र में अभी गए थे निरीक्षण करने के लिए। तो वहाँ पर जो एक गोवरदहा बांध है, मतलब ये पतनारी बांध के पास में पड़ता है गोवरदहा बांध, तो गोवरदहा बांध का निरीक्षण कर रहे थे तो हमने ये देखा कि वहाँ पर जो भीट है, भीट जिसे किसे कहते हैं, जो डम्ब टाइप का जैसे आपने बांध खोदा, बांध खोदने के बाद भी उसका एक बांध की मेड़ बनाई, मेड़ को उसमें यहाँ लोकल भाषा में भीट बोलते हैं, तो उस भीट में जो काफ़ी चौड़ा होता है तो एक तरफ तो अंदर वाला पार्ट होता है जहाँ पर इस तरह से पीचिंग वगैरह के पत्थर होते हैं, फिर एक अपोजिट साइड का होता है। तो हमने वहाँ पर ये देखा, हमारे साथ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर रिटायर्ड श्री SBS परिहार साहब थे और श्री नागेंद्र मिश्रा जी थे अध्यक्ष केंद्रीय बाणसागर डैम के, और हमने ये देखा कि वहाँ पर पाइपिंग बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमारे बीच में जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे वो उस गड्ढे में घुसते हैं और घुस करके वो स्वयं देखते हैं तो वो उसमें पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं, और फिर एक डंडा भी रहता है, एक बुजुर्ग आदमी का डंडा रहता है, उस डंडे से वो उसकी मेजरमेंट करते हैं और बताते हैं कि लगभग 10 फीट के ऊपर है और अभी भी गहराई जो उसकी थी अभी और अंदर जाया जा सकता था, क्योंकि व्यक्ति है तो व्यक्ति इतना बड़ा उसके अंदर घुसेगा तो फिर निकालने में दिक्कत हो जाएगी, और बुजुर्ग आदमी थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मतलब जल संसाधन विभाग की जो ये जो भ्रष्टाचार है, इतना व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार है, सभी को पता है कि इनके मेंटेनेंस के लिए पैसे आते हैं, रख रखाव के लिए आते हैं, लेकिन इसका कोई समुचित उपयोग नहीं, पूरा पैसा खाए जा रहे हैं और आज स्थितियाँ ये हैं कि बांध पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पे है। तो आप इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीडियो स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि किस तरह से जो माइनर टैंक बनाए गए हैं उनमें किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है।
कम से कम सैकड़ों पॉइंट तैयार हो गए हैं, सैकड़ों पाइपिंग को रोकने के लिए क्या किया जाए, विभाग क्या करेगा? के लिए आप स्टीम पिचिंग में जहां तक वो है उसको पैक कराएं मिट्टी से, फिर उसके पिचिंग दुरुस्त कराएं, और डाउन स्ट्रीम पे जो अंडर सेक्शन हो रहा है जहां गड्ढे बन गए तीन तीन चार चार फीट के, एक एक मीटर के गड्ढे हो गए हैं, उनको तत्काल बढ़िया रैमिंग करके न्यूमेटिक रैमर को पैकिंग करें मिट्टी से, स्लोप पूरा पक्का बनाएं, ड्रेनेज तक ड्रेन जो टो ड्रेन है टो ड्रेन और टॉप पिच वगैरह प्रॉपर मेंटेन करें, जो डिजाइन दे उसके डिजाइन के ऊपर सेक्शन बनाएं, और सेक्शन नहीं बनाएंगे तो डैम को बताना नहीं, हम कहते साल दो साल अलग बात है, ऐसे रहेगा तो ये डैम बह जाएगा। नहीं बस जी, बस जी।